सो डिक्शनरी क्रिएशन में जैसा कि हम लोगों ने कल भी रिवीजन किया था कि डिक्शनरी क्या होती है, इट इज ए कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स. तो की एंड वैल्यू पेयर्स वेयर कीज आर इम्यूटेबल टाइप ऑब्जेक्ट्स एंड वैल्यू आर म्यूटेबल टाइप वैल्यूज. ओके, सो अगर हमें कोई भी डिक्शनरी क्रिएट करनी है तो उसमें हमको की वैल्यू पेयर्स सेटअप करना पड़ेगा, जिसमें की जो होंगी वो की जो है वो इम्यूटेबल टाइप की होंगी. यानी कि आप की के जो वैल्यू की को आप जो रखेंगे वो आप इम्यूटेबल टाइप के ऑब्जेक्ट्स रखेंगे. लाइक आप रखेंगे उसमें टपल्स रख सकते हैं, आप नंबर्स रख सकते हैं, आप स्ट्रिंग रख सकते हैं, और वैल्यूज में आप कुछ भी रख सकते हैं. ठीक है, तो ये डिक्शनरी का क्रिएशन है. तो डिक्शनरी क्रिएशन का सम एग्जांपल्स थे, जिसमें कि पहला था कि डिक्शनरी को बेसिक फॉर्म में क्रिएट कैसे करना है. तो एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करने का तरीका था कि आप स्क्वायर ब्रैकेट से वो सॉरी कर्ली ब्रैकेट से उसको आप वहां पर एम्प्टी डिक्शनरी को कर लेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर हम जैसे डी वन बनाना चाहें और मैं यहाँ कर्ली ब्रैकेट दे दूं तो ये एक एम्प्टी डिक्शनरी बन जाती है. ठीक है, दिस इज नाउ एन एम्प्टी डिक्शनरी. तो ये हमने देख लिया था. आपको अगर हम कोई डिक्शनरी हमको कुछ इस तरीके से बनानी है, फॉर एग्जाम्पल डी टू इक्वल्स टू हमको यहाँ पर रख सकते हैं. तो यहाँ पर हम जो की दे रहे थे वो हमने एक की दी और यहाँ पर हमने की दे दिया सपोज ए बी सी डी. ठीक है, तो की में नेम आ गया, वैल्यू में ए बी सी डी आ गया, ये एक की वैल्यू पेयर आपने सेटअप कर दिया. ऐसे मल्टीपल की वेयर की वैल्यू पेयर जो बनेंगे वो डिक्शनरी फॉर्म कर सकते हैं. ओके, ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया. यहाँ पर ये है कि डिक्शनरी जो है वो इट इज नॉट ए सिक्वेंस. डिक्शनरी जो है वो एक सिक्वेंस नहीं होता, इट इज ए मैपिंग. मैपिंग का मतलब है यहाँ पर हम कि हमारे पास जो नॉर्मल फॉरवर्डिंग इंडेक्सिंग या बैकवर्ड इंडेक्सिंग थी 0 1 2 3 या -1 2 -2 3 वो यहाँ पर नहीं होगा. यहाँ पर हम हमारे पास इंडेक्स के फॉर्म में कीज होंगी, तो हम की टू की मैपिंग करेंगे. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मैपिंग. ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज एसोसिएटिव एरे और हैशेस. डिक्शनरी क्रिएशन की शुड ऑलवेज बी ऑफ इम्यूटेबल टाइप, ये हमने बता दिया है. ठीक है, और अगर हम म्यूटेबल टाइप की अगर हम बनाना चाहेंगे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा. नाउ आज अब जो हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक में वो है एक्सेसिंग ए डिक्शनरी. तो कोई भी वैल्यू एक्सेस करने के लिए डिक्शनरी की, क्योंकि अब जो हमें एक्सेसिंग ए लिस्ट या एक्सेसिंग स्ट्रिंग या टपल्स में हम क्या करते थे कि उस टपल स्ट्रिंग या लिस्ट का नाम देकर उसमें उसका इंडेक्स वैल्यू स्क्वायर ब्रैकेट में देके उसकी वैल्यू फेच करते थे कि वहां पर क्या वैल्यू है. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई एल वन बनाया है और उसमें लिस्ट में मान लीजिए 3, 4, 6, 5, 7 ये मैंने दिया है, और अगर आपको कोई भी वैल्यू फेच करनी होती थी तो यहाँ पर इसका ये नाम रहता था, ये इंडेक्स रहता था, और वो एलिमेंट वैल्यू फेच करता था यहाँ पर जो इस इंडेक्स पर प्लेस होती थी. सेम इसी तरीके से डी टू जो डिक्शनरी है, डिक्शनरी का नाम रहेगा, इंडेक्स की जगह यहाँ पर आ गई की. ठीक है, इंडेक्स की जगह आ गई की, और अब आपको ये जो की रेस्पेक्टिव वैल्यू है, करस्पॉन्डिंग वैल्यू है, वो आपको डिस्प्ले में मिल जाएगी. ठीक है, तो ये इस तरीके से आप डिक्शनरी को एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, वी गेट द की फ्रॉम द पेयर ऑफ की वैल्यू एंड वी एक्सेस द वैल्यू. ओके, सो यहाँ पर जैसे इन्होंने ये एग्जांपल दिया है, टीचर्स राजीव मैथ एपीए फिजिक्स एपीएस केमिस्ट्री एसबी सीएस. ठीक है, और इन्होंने क्या किया, टीचर्स जो डिक्शनरी का नाम था वो इन्होंने यहाँ पर दिया और की नेम जो राजीव था वो दे दिया, तो रिटर्न में क्या आ गया, मैथ. ठीक है, उसको इन्होंने चाहो तो अच्छे तरीके से प्रिंट करवा लिया. ठीक है, तो ये एक्सेसिंग का सिंपल तरीका है. नाउ ट्रैवर्सल. ट्रैवर्सल जो अब हम करते हैं, ट्रैवर्सल इसमें क्या होगा, ये जो आइटम है अभी तक हम लिस्ट में और टपल में क्या कर रहे थे कि ये जो फॉर ए इन आइटम कर रहे थे. ठीक है, जैसे ये एल वन अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं और हम प्रिंट करें फॉर ए इन एल वन और सॉरी फॉर ए इन एल वन. ठीक है, प्रिंट ए.
ये हम कर रहे थे तो क्या हो रहा था, यहाँ पर एलिमेंट्स आ जा रहे थे, ठीक है। अब हम अगर डिक्शनरी में ये करना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, फॉर ए की जगह हम ले लेते के, क्योंकि ये क्या करेगा, की को स्पेसिफाई करेगा, इंडेक्स ना स्पेसिफाई करके क्या स्पेसिफाई करेगा, की। फॉर के इन डी टू, और आप अगर यहाँ पर प्रिंट करना चाहें फॉर प्रिंट मान लीजिए के, तो आपको पता चल जाएगा क्या वैल्यू आएगी, नेम आया। इसका मतलब ये जो के है ये क्या कर रहा है कि ये के जो है कीज को ले रहा है। अगर आपको वैल्यू चाहिए उसमें तो आप क्या करेंगे, फॉर के इन डी टू, ठीक है, प्रिंट, क्योंकि की इंडेक्सिंग की तरह होता है, तो आप डी टू का के, के में जो भी की होगा वो आ जाएगा और जो भी इस की के रिगार्डिंग इंडेक्स में वैल्यू होगी वो वहां पर प्रिंट हो जाएगी। तो अब यहाँ पर एबीसीडी इस तरीके से ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये यहाँ पर हम कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक तरीका ये और है कि हम जो हमारी कीज है, ठीक है, जो हम रेंज लगा रहे हैं फॉर के इन डी टू, ये जो डी टू लगा रहे हैं ये जो डी टू लगा रहे हैं, इसकी जगह अगर आप ये करना चाहें डॉट कीज, तो इसमें क्या करेगा, ये कीज की सेक्स कीज की एक लिस्ट बना देगा, डी टू की जितनी भी कीज होंगी उसकी एक लिस्ट बना देगा और केवल वही जो भी आइटम में होगा वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, डी टू में एक वैल्यू और ऐड कर दे रहा हूँ, डी टू में मान लीजिए एक वैल्यू और एज कर देता हूँ, एज, ठीक है ना, इक्वल्स टू 18। डी टू में एक वैल्यू और ऐड कर देते हैं, मान लीजिए क्लास इक्वल्स टू 12 CS, ये मैंने ऐड कर दी। डी टू देखो तो डी टू में अब हमारे पास हो गए नेम एबीसीडी, एज 18, क्लास 12 CS। अभी यही वाला सेक्शन मैं दोबारा से करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या होगा कि तीनों की आ जाएंगी, की क्या है हमारे पास, नेम एज एंड क्लास, नेम एज एंड क्लास, ठीक है। तो यानी कि ये वाला जो सेक्शन है डी टू डॉट कीज, यानी कि डिक्शनरी नेम डॉट कीज, ये कीज फंक्शन क्या कर रहा है, सारी कीज जितने भी डिक्शनरी में की वाले सेक्शन है उनको उठा के एज ए लिस्ट एलिमेंट, एज ए लिस्ट उसको क्रिएट कर दे रहा है और उसकी वैल्यूज को सिंपली पुटअप कर ले रहा है। अगर आपको केवल वैल्यू चाहिए तो आप क्या करेंगे, फॉर के इन डी टू डॉट वैल्यूज, के लिए सिर्फ वैल्यूज फॉर्मूला है और कुछ अंतर नहीं है यहाँ पर, क्योंकि वहां पर के लिए वैल्यूज लिया था तो आइटम के लिए हम ए ले लेते हैं, जो कि हम हमेशा से लेते आ रहे हैं, प्रिंट ए करेंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पर सिर्फ वैल्यूज वाला सेक्शन आ गया, एबीसीडी 18 and 12 CS। तो इस तरीके से हम लोग डिक्शनरी में ट्रेवर्सल कर सकते हैं, ठीक है, जैसा कि इन्होंने यहाँ पर ये बताया, टू एक्सेस की एंड वैल्यूज वी यूज कीज फंक्शन एंड वैल्यूज फंक्शन, ठीक है। कीज फंक्शन इन्होंने डी पे लगाया, तो वॉवेल वॉल टू वॉल थ्री वॉल फोर वॉल फाइव, ये पांचों इन्होंने आ गए, और वैल्यूज लगाया तो ए ई आई ओ यू, पांचों ये वॉवेल आ गए। ये आपने देख लिया, कीज फंक्शन विल डिस्प्ले ओनली कीज एंड वैल्यूज फंक्शन विल डिस्प्ले ओनली वैल्यूज। नाउ फीचर ऑफ डिक्शनरी, डिक्शनरीज का फीचर है कि एक सिक्वेंस नहीं है, ये हम लोग जानते हैं, तो इट इज अनऑर्डर्ड सेट, ठीक है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है की वैल्यू पेयर्स का, यानी कि मेमोरी में ये कहीं भी प्लेस हो सकते हैं, बस एक दूसरे से लिंक अप होते हैं, ठीक है। तो ये की वैल्यू पेयर्स होते हैं, सिक्वेंस नहीं है, ये हम जान लिए हैं, जैसे लिस्ट स्ट्रिंग और टपल होती है, इट इज नॉट सिक्वेंस, क्योंकि ये अनऑर्डर एलिमेंट्स का सेट है, ठीक है। कीज आर यूज फॉर इट्स इंडेक्सिंग, जैसे कि इंडेक्सिंग के लिए हमारे पास नंबर्स नहीं थे 0, 1, 2, 3, ऐसे ही यहाँ पर हम कीज जो है उन्हीं को ही हम इंडेक्स मान रहे हैं और उसी की तरह बेसिस पे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अगर आपको इंडेक्सिंग के जैसे ही लेना है तो आप जो आपकी की है उनको 0, 1 इस तरीके से रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखा 0 में की 0 आ गया, 1 में की 1 वैल्यू जो है वो हो गई, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट जो है वो है कि की ऑफ डिक्शनरी शुड ऑलवेज बी ऑफ इम्यूटेबल टाइप, या तो नंबर या स्ट्रिंग या टपल होना चाहिए, ठीक है। वैल्यू ऑफ डिक्शनरी कैन बी ऑफ एनी टाइप, ये हमने बता दिया। फोर्थ पॉइंट डिक्शनरी की कीज का है कि की शुड बी यूनिक, ठीक है, की शुड बी यूनिक। अगर जैसे नेम की मैंने यहाँ पर यूज कर लिया है तो नेम फिर आगे कहीं भी यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है, इट शुड बी यूनिक।
ओके सो इट्स बिलाइक की जो यूनिक होनी चाहिए, वैल्यूज आपकी कैसी भी हो सकती हैं, वापस से भी रिटर्न आ सकती हैं, ठीक है। वैल्यूज ऑफ टू यूनिक कीज कैन बी सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं। डिक्शनरी का नेचर जो है वो म्यूटेबल नेचर का होता है, दैट्स व्हाई वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ ए सर्टेन की। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए नेम यहाँ पर अभी ABCD था, D2 का नेम मैं उसको यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ, D2 का एज चेंज कर देता हूँ, नेम में थोड़ा बड़ा लगेगा, एज को मान लीजिए 18 की जगह मैंने 16 कर दिया, तो ये वैल्यू 16 हो गई, ठीक है। तो दैट्स व्हाई वी कैन नो कि डिक्शनरी जो है वो ही म्यूटेबल नेचर की है। इंटरनली इट इज स्टोर्ड एज मैपिंग, ये हम लोगों ने पता कर लिया, ठीक है। इट्स की वैल्यूज पेयर जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं विद एन इंटरनल फंक्शन जिसका नाम है हैश फंक्शन, ठीक है। और हैश फंक्शन जो है वो एक इंटरनल एल्गोरिथम है जो कि लिंकिंग काम करेगी, लिंकिंग का काम करेगी मेमोरी बेसिंग में, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मैपिंग, ठीक है। ये वाला सेक्शन हम देख चुके हैं कि डिक्शनरी का इनिशियलाइजेशन कैसे करेंगे, डिक्शनरी को इस तरीके से क्रिएट करेंगे, उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि डाउट ना हो। इसको क्लोज करके मैं फिर से स्टार्ट कर देता हूँ। तीनों मेथड जो इसमें दिए गए हैं वो ये है कि एक डिक्शनरी D1 बनाऊंगा, जिसमें कि एक एम्प्टी डिक्शनरी मैं क्रिएट करूंगा और उसमें फिर वैल्यूज को मैं डालता जाऊंगा। मान लीजिए की वन मैंने दिया और उसकी वैल्यू वन मैंने ये दे दी, ठीक है। ये की वन वैल्यू वन हो गई, ऐसे ही D1, एक मिनट इसी को डाल लेता हूँ तो फायदा रहेगा, ठीक है। D1 में की टू वैल्यू टू और तीन वैल्यू मैंने इस तरीके से ये ले ली, ठीक है। तो अगर हम D1 को करेंगे तो इस तरीके से पहला तरीका है डिक्शनरी का। दूसरा तरीका है कि आप डिक्शनरी को डायरेक्ट इनिशियलाइज करें, यानी कि की वन, ठीक है, इस तरीके से वैल्यू वन, ठीक है, कॉमा दूसरा की टू, और जो डिफरेंस ऑपरेटर है की और वैल्यू का जो सेपरेटर है कॉलन वैल्यू, ठीक है, वैल्यू टू कॉमा की थ्री और सेपरेटर वैल्यू थ्री, ठीक है। और ये इस तरीके से ये भी वैल्यू बन गई, तो D2 भी हम देखेंगे तो सेम उस तरीके से तो क्रिएट हो गई। तो D1 D2 इस तरीके से क्रिएट हो गई, और D3 का आपका जो वो है कि आपको कुछ नहीं करना, D3 इसमें क्या करना है, सिंपली आप इसको डिक्ट फंक्शन के थ्रू इस तरीके से क्रिएट कर देंगे। और उसके बाद जो आपका तरीका था ये, इसमें ये D3 की वन वैल्यू वन इस तरीके से ऐड करते जाएंगे, तो देखेंगे कि D3 में भी वैल्यूज ऐड होती चली जाएंगी। पहला हमने डायरेक्ट एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करी यूजिंग सिंपल कर्ली ब्रैकेट्स। दूसरा हमने डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन कर दिया जितनी भी बड़ी वैल्यूज थी। तीसरा हमने क्या किया, एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करी और उसके बाद उसको असाइनमेंट वैल्यू से ऊपर के जैसे क्रिएट करने लगे। चौथा तरीका यह है कि हम यूजर से वैल्यू लेते चले जाएं और यूजर से उस वैल्यू को हम वहां पर प्लेस करते चले जाएं। तो उसको हम कैसे करेंगे देख लेते हैं। आप क्या करें, एक इनपुट में वैल्यू ले लें। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ कि मेरे को तीन राउंड लेने हैं, तो मैं लगाता हूँ फॉर आई इन रेंज, कहाँ से कहाँ तीन राउंड लेने हैं, तो वन से फोर ले लूँ तो तीन हो जाएगा, वन टू थ्री, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कि एक वैल्यू लेता हूँ की में, तो की के लिए मैं ले लेता हूँ के, ठीक है। के इक्वल्स टू इनपुट एंटर द की नेम, ठीक है, ये मान लीजिए मैंने ये इस तरीके से ये ले लिया, ओके। और डी के लिए क्या कर रहा हूँ कि उसके लिए करस्पॉन्डिंग वैल्यू भी ले रहा हूँ, एंटर यहाँ पे इस तरीके से लिख लेता हूँ करस्पॉन्डिंग मान लीजिए वैल्यू, ठीक है, ये मैंने ले लिया, ओके। और साथ ही साथ हम मेरे को क्या करना है कि
इसके जो डी थ्री में है वैल्यू उसके करता जाओ, तो डी थ्री का के जो हो जाएगा वो क्या वैल्यू हो जाएगी, डी। ये डेटा वैल्यू है, वैल्यू को वी लेना था वैसे, चलो कोई बात नहीं डी ले लिया, तो ये होता चला जाए। ये हमने किया, अब हम इसमें एंट्री करते जाएंगे, देखते हैं एंटर द की नेम क्या ले बेटे, की टू ले लेते हैं, मान लीजिए वैल्यू टू कर देते हैं इसको वी टू, की थ्री को के थ्री कर देते हैं, वी वैल्यू थ्री को के फोर कर देते हैं क्योंकि वन पहले ले रखा है इसलिए वी फोर कर देते हैं। तो ये यहाँ पर हमने यूजर से इनपुट लेके हमने उस वैल्यू में ले लिया, लेट्स सी डी थ्री। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि की वन वैल्यू वन तो पहले से ही था और उसके बाद हमने ये की टू की थ्री और की फोर हमने बाद में यूजर से उसको फॉर लूप के थ्रू ले लिया। तो अब हम यहाँ पर हमने ये देख लिया कि आप जो डिक्शनरी में वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं वो यूजर के थ्रू पर भी उसमें कर पा रहे हैं फॉर लूप के थ्रू। अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज एक साथ लेनी है तो आप फॉर लूप लगाइए, अगर सिंपल एक एक वैल्यू लेनी है तो लूप लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ये वाले दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करा सकते हैं। ठीक है, यह हो गया। ठीक है, सो डिक्शनरी कंस्ट्रक्टर हमने जो फंक्शन है वो यूज कर लिया है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज हमने यूज कर लिए हैं, स्पेसिफाई कर लिया है। ठीक है, इसके बाद एक हमारा जो डिक्शनरी वर्क करने का है कि हम की और वैल्यूज को सेपरेटली भी डिक्लेयर कर सकते हैं, इसके लिए हम जो है वो जिप फंक्शन यूज करते हैं। कौन सा फंक्शन यूज करते हैं बेटा, जिप फंक्शन यूज करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू पेयर, एक मिनट देख लेते हैं, क्रिएशन ऑफ डिक्शनरी बाईपासिंग आर्ग्यूमेंट। अच्छा, इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसको भी मैंने नहीं समझाया, इसको मैं समझा देता हूँ। पहले जिप फंक्शन हम देख लेते हैं, तो डी थ्री हमने इस तरीके से क्रिएट कर लिया, डी फोर देखते हैं कि ये किस तरीके से क्रिएटेड हो जाती है। तो डी फोर करने के लिए हमने क्या किया, डिप फंक्शन और इसके अंदर हमने लगा दिया जिप फंक्शन। ठीक है, जिप फंक्शन हमने लगाया है डिक्शनरी के अंदर जिप फंक्शन। अब आप क्या करेंगे कि आप एक टपल क्रिएट करेंगे, टपल क्रिएट करेंगे, रिमेंबर यहाँ पे लिस्ट क्रिएट नहीं कर रहे हैं, टपल क्रिएट कर रहे हैं जिप के अंदर, और की की एक अलग टपल क्रिएट करेंगे और वैल्यूज की अलग ट्रिपल क्रिएट करेंगे। तो पहली टपल हम इसमें पास करेंगे वो होगी कीज की, पहली की मान लीजिए के वन, ठीक है, के टू, के थ्री और के फोर, आपने ये चारों दे दिए। ठीक है, ये पहली टपल मैंने बना दी, ओके, ये देखो पहली टपल पास हो गई। दूसरा कॉमा, दूसरा जो है वो क्या पास होगा, v1, v2, v3, कॉमा चार करस्पॉन्डिंग वैल्यूज होनी चाहिए, उतनी ही जितनी की में जा रही है उतनी ही वहां होनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर तीन होंगी और यहाँ पर चार होंगी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये किया, अरे गलती हो गई क्या, ये किया, ये किया, ठीक है, ये टपल बंद हुई, जिप बंद हुआ, डिक्शनरी बंद हुई, एंटर, डी फोर क्रिएट हो गई। लेट्स सी, देखो हो गई कि नहीं हो गई, की वन में वी वन आया, के टू में की टू वी वैल्यू टू आई, की थ्री में वैल्यू थ्री आई, की फोर में वैल्यू फोर। इस तरीके से हम डायरेक्टली जिप फंक्शन के थ्रू दे सकते हैं। अब एक तरीका क्या है डी फाइव, कि हम क्या करें कि हम डायरेक्टली जो है उसमें वैल्यूज को इस तरीके से पास कर दें। ये तो हमने जिप फंक्शन देख लिया, कॉमा सेपरेटेड हमने पहले ही देख लिया, कि डिक्शनरी फंक्शन के अंदर डायरेक्ट आप इक्वल्स टू लगाकर भी दे सकते हैं। लाइक डी फाइव, आपने डिक्शनरी फंक्शन लिया और उसके अंदर में डायरेक्टली आप बोल रहे हैं कि भैया के टू इक्वल्स टू वी टू। ठीक है, इसमें वो लेने की जरूरत नहीं है, वैल्यूज में केवल स्ट्रिंग लेने की जरूरत है, बाकी में स्ट्रिंग लेने की जरूरत नहीं है। के थ्री इक्वल्स टू v3, दो ही करके देख लेते हैं होता है कि नहीं होता है। d5 देखिए, ये इस तरीके से यहाँ पर, यानी कि हमने क्या किया, जो तरीके सीखे पहला तो ये था कि आप असाइनमेंट के थ्रू चलते चले जाएं, दूसरा जो वहां पर अभी दिख रहा था ये वाला कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज का, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज ये है की वैल्यू पेयर्स आपने दिए। ठीक है,
कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज में की वैल्यूज पेयर्स आपने दिए की और इस तरीके से ये दिया, ठीक है। और इसके बाद हमने फॉर लूप से एंट्री करना सीख लिया यूजर के थ्रू, ये हमने यहाँ पर एंट्री करना सीख लिया। इसके बाद हमने जिप फंक्शन देख लिया कि जिप फंक्शन की क्या फैसिलिटी है कि आप कीज को एक जगह प्लेस करके टपल में और वैल्यूज को एक जगह प्लेस करके टपल में आप पास करेंगे तो वो वैसे कर देगा। और इसके बाद वो सेपरेटर यूज ना करके, जैसे यहाँ पर हम सेपरेटर यूज कर रहे थे, सेपरेटर यूज ना करके अगर आप इक्वल्स टू यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास ये तरीका है। रिमेम्बर सेपरेटर में जो होगा कि यहाँ पर की में भी अगर स्ट्रिंग है तो वो लगेगा, जिसे वो बोलते हैं क्या कहते हैं कोट, सिंगल कोट लगेगा या डबल कोट लगेगा, लेकिन इक्वल्स टू वाले केस में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद ये वाले देख लिया, जिप फंक्शन देख लिया। इसके बाद बाय गिविंग की वैल्यू पेयर इन द फॉर्म ऑफ सेपरेट सीक्वेंस, सेपरेट सीक्वेंस की तरीका ये है कि आपने कॉलन यूज कर लिया, ये कॉलन यूज कर लिया, हमने इक्वल्स टू यूज कर लिया, अभी हम केवल कॉमा से अगर हमको यूज करना है तो आप क्या करेंगे, डिक्शनरी, डिक्शनरी के अंदर आपको लिस्ट बनानी होगी। हमने लिस्ट बनाई और हर एक एक लिस्ट बनेगा, हर एक की वैल्यू पेयर एक लिस्ट बनेगा, ठीक है। की वन के वन वी वन, ये क्या सेपरेटेड बनेगा, यस सेपरेटेड बनेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, आपको इसको भी कोट में देना पड़ेगा। हमने इसको ये देख लिया, इसको यहाँ ये देख लिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो की वैल्यू पेयर है ये कॉमा सेपरेटेड है, ठीक है, ये कॉलन सेपरेटेड नहीं है। इसके बाद अब यहाँ पर हम दूसरा सेट बनाएंगे K2 कॉमा B2, ठीक है। तो हमने दो ले लिए, एक तीसरा और बना लेते हैं K3 कॉमा V3, ठीक है। इसको भी आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा, जिप में आपने टपल बनाया था इसमें लिस्ट बनाएंगे। तो एक लिस्ट ये कंप्लीट हो गई, एक लिस्ट ये कंप्लीट हो गई की वैल्यू पेयर की, और एक ये लिस्ट कंप्लीट हो गई। अब कारण ये लिस्ट बनाने का है कि आपके की वैल्यू पेयर में वैल्यू है दो, लेकिन आपको एक की वैल्यू पेयर एक ही एलिमेंट के जैसे ले जाना है, तो उसका तरीका ये है कि आप उसे लिस्ट बना सकते हैं। ये वो लिस्ट कंप्लीट हो गई, D6 देखिए तैयार, ठीक है। तो इस तरीके से हम मल्टीपल तरीके से जो है डिक्शनरीज को क्रिएट कर सकते हैं। डिक्शनरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और ये बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक्स हैं, इसलिए 1 मार्क का क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे पूछे ही जा सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, आप सिंटैक्स एरर नहीं निकाल सकते। आपको सपोज एरर फाइंडिंग क्वेश्चन आ गए और आपको ये वाला दे दिया कि ये इस तरीके से मैं डिक्शनरी क्रिएट कर रहा हूँ, लेकिन आपने केवल क्या हुआ, आपने केवल ये वाला मेथड पढ़ा हुआ है डिक्शनरी क्रिएट करने का, तो आप बोल दोगे कि ये तो सर गलत है, लेकिन एक्चुअली में ये भी तरीका सही है, ठीक है, ये भी तरीका सही है और डिक्शनरी क्रिएट करने का ये भी तरीका सही है, इसलिए आपको ये याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो इसके बाद अगला टॉपिक है एडिंग एलिमेंट इन डिक्शनरी। ये हम देख चुके हैं ये वाला जो सेक्शन है वो किस तरीके से, कि आप सिंपली ऊपर जाएं, डिक्शनरी का नाम लें, न्यू की का नेम लें और उसको करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू है उसको दे देंगे, तो इससे क्या होगा, उस डिक्शनरी में वो वैल्यू ऐड होती चली जाएगी, ठीक है। चलिए यहाँ पे जैसे इन्होंने डिक्शनरी में पहले क्रिएट किया था नेम, सुमन, सैलरी और एज, ठीक है, इसके बाद इन्होंने डिपार्टमेंट इसको ऐड करना चाहे तो सिंपली क्या किया, नेम, न्यू की नेम और वैल्यू नेम, और इसके साथ आप देखेंगे यहाँ डिपार्टमेंट सेल्स इसमें आ गया, ओके। इसके बाद नेस्टिंग इन डिक्शनरी, नेस्टिंग इन डिक्शनरी का मतलब है कि आपकी डिक्शनरी के अंदर आप मल्टीपल डिक्शनरी को यूज कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि जो की है वो तो आपका नॉर्मल है, लेकिन जो वैल्यू है वो खुद भी एक डिक्शनरी हो सकती है, जैसा कि आप हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, एम्प्लॉय नाम की एक डिक्शनरी है, वैल्यू है मुकेश, ठीक है, वैल्यू है मुकेश, एज उसकी सैलरी, वैल्यू है मीना, उसकी एज उसकी सैलरी, तो यानी कि मीना के करस्पॉन्डिंग हमने और डेटा इस तरीके से ले लेना है, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, फॉर की इन एम्प्लॉय, जो भी एम्प्लॉय है
उसकी की बनाई, यानी कि हर एक एलिमेंट के लिए, यानी कि पहले में आएगा मुकेश और दूसरे में आएगा मीना, ठीक है, एम्प्लॉय और की, एम्प्लॉय मुकेश आ गया यहाँ पर, एज, एज हमने एक लिया और इस एम्प्लॉय की में वो एज ऐड कर दी, ठीक है, जो भी आई वैल्यू 23, और ऐसे सैलरी एम्प्लॉय की में वो सैलरी जो वहां से आई 34,000 वो ऐड कर दी। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक ही उसके अंदर में जो वैल्यू है वैल्यू के अंदर में, और फिर से हम मल्टीपल वैल्यूज को उसमें होल्ड कर पाए। तो इस तरीके से क्या हुआ कि एक ही डिक्शनरी के अंदर हमने मल्टीपल डिक्शनरीज को यूज कर लिया। तो अब इसका लाइव एग्जांपल हम किस तरीके से देख सकते हैं, तो इसको हम पार्टीशन में अगर हम करना चाहें तो बहुत इजी तरीके से कर पाएंगे। इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं क्या कर रहा हूं कि सिंपली मैं स्टूडेंट वन और स्टूडेंट टू और स्टूडेंट थ्री, तीन सिंपल डिक्शनरी बना रहा हूँ स्टूडेंट वन, ठीक है। स्टूडेंट वन के लिए मैंने क्या किया कि उसका जो नेम है, सपोज स्टूडेंट वन का नेम है एबीसी, ठीक है, और उसकी क्लास है मान लीजिए 12, ठीक है। मैंने सिंपली ये एक डिक्शनरी बना दी स्टूडेंट वन की, ठीक है, ये बन गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, स्टूडेंट टू के लिए मैंने मान लीजिए उसको 11 क्लास का कर दिया और उसका जो DEF कर दिया, और ये स्टूडेंट टू, ठीक है, और एक स्टूडेंट थ्री ले लेता हूँ मैं, और इसको भी मैंने 12th क्लास का कर दिया, और इसका मैंने नाम कर दिया सपोज GHI, और इसको मैंने बना दिया स्टूडेंट थ्री। तो यहाँ पर आपके पास तीन डिफरेंट डिक्शनरी होगी। अब मैं जो कंसोलिडेटेड डिक्शनरी बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ कंसोलिडेटेड डिक्शनरी सपोज CS, कंसोलिडेटेड स्टूडेंट करके CS इक्वल्स टू। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, जो मैं पहला दे रहा हूँ रोल वन, रोल वन में स्टूडेंट वन आएगा, स्टूडेंट वन, ठीक है। चलिए दूसरा रोल टू, रोल टू में स्टूडेंट टू आना चाहिए, स्टूडेंट टू। अब क्वेश्चन ये है कि हमने वैल्यू की जगह यहाँ पे क्या कर दिया, पूरा का पूरा डिक्शनरी दे दिया, पूरा का पूरा डिक्शनरी दे दिया, ठीक है, और वैल्यू क्या तीसरी आर थ्री, इसमें मैंने क्या किया इस टू थ्री, ठीक है, कंप्लीट। सी एस को अगर आप देखेंगे तो पूरा इसने प्रॉपरली तरीके से ये नेस्टेड डिक्शनरी का एग्जांपल बन के आ गया। कैसे, आर वन के रिगार्डिंग नेम क्या है भैया, रोल नंबर वन का नेम है एबीसी क्लास 12th में, रोल नंबर टू का नेम डीएफ है क्लास 11 में मान लीजिए, रोल नंबर थ्री का नेम जीएचआई है क्लास 12th में। तो इस तरीके से जो ये फॉर्मेट स्ट्रक्चर आ रहा था उसी तरीके से हमने ये कर लिया। फॉर लूप लगाने का तरीका वही है जो हमने अभी पहले सीखा था, जैसे आप यहाँ पर भी देख पा रहे, ठीक है। नेस्टेड डिक्शनरी के बाद आता है अपडेशन इन डिक्शनरी। तो कोई भी डिक्शनरी में अब अपडेशन करना है तो आपको सिंपली क्या करना है कि उसका जो भी पर्टिकुलर इंडेक्स है उस इंडेक्स में वैल्यूज को आप चेंज कर दीजिए। मान लीजिए मेरे को स्टूडेंट वन का जो क्लास है, ठीक है ना, जो क्लास है वो चेंज करना है, क्लास को 10th कर देना है, 10th कर दिया स्टूडेंट वन अपडेटेड, डन। तो इस तरीके से आप उन डिक्शनरी में अपडेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एक एग्जांपल्स हैं, जिसे जैसे यहाँ पर दिया है कि एक डिक्शनरी क्रिएट करनी है जिसमें नेम ऑफ एम्प्लॉय जो है की हो और उनकी सैलरी जो है वैल्यू हो। तो यहाँ पर जैसे हमने पहले किया था कि एक इनपुट ले लिया, इंट यहाँ पर इसलिए लिया ताकि नंबर ऑफ एम्प्लॉय हमको पता चल जाए एन में, तो रेंज हमारी एन तक चली जाएगी, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। एम्प्लॉय एक एम्प्टी डिक्शनरी ले ली, फॉर ए इन रेंज सिंपली पहले की इनपुट ले लिया, फिर दूसरा वैल्यू इनपुट ले लिया। अब वैल्यू का टाइप हमें मालूम है कि सैलरी है, तो इसीलिए उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। एम्प्लॉय की में वैल्यू स्टोर हो जाए, बाद में डिक्शनरी को प्रिंट कर दिया, सबकी डिक्शनरी इस तरीके से प्रिंट, ठीक है। अब आपको डिलीशन यूज करना है, तो डिलीशन के लिए हमारे पास ये कुछ तरीके हैं, ठीक है। पहला डेल, डेल क्या करना है, अब जैसे मैंने यहाँ पे स्टू वन का क्लास ऐड किया, मैं क्या करूंगा डेल स्टेटमेंट यूज करूंगा और स्टू वन का क्लास इस तरीके से डिलीट कर दूंगा, डिलीट। अब मैं स्टू वन देखूंगा, केवल नेम एलिमेंट रह गया, क्लास वाला की वैल्यू पेयर पूरा जाएगा, रिमेम्बर की वैल्यू पेयर पूरा ही जाएगा,
डिलीट अगर करेंगे, ठीक है। मान लीजिए डिलीट मेरे को इस टू थ्री से नेम करना है, ठीक है, कर दिया इस टू थ्री, देखते हैं केबल क्लास रह गया, ठीक है। तो एक तो ये है डेल, डेल स्टेटमेंट है इसलिए ये पहले आएगा और नेम और इंडेक्स बाद में आएगा, ठीक है, यानी कि डेल नेम इंडेक्स बाद में आएगा। दूसरा तरीका है हमारे पास पॉपअप करने का, दूसरा तरीका है स्टूडेंट डॉट पॉप, स्टूडेंट टू डॉट पॉप, ठीक है। अब इस पॉप में आप क्योंकि इंडेक्स देते दे तो यहाँ पे क्या हो रहा, ये क्या रहा है ना, के वैल्यू दो, तो यहाँ पर के दे दो नेम, सॉरी नेम छोटा है नेम, ठीक है, डी एफ इन्होंने उड़ा दिया, ये बता दिया। अब मैं स्टूडेंट टू देखूं तो केवल क्लास बचे। तो ये हमारे पास तरीका रहा, ये था हमारा डायल करने का डिक्शनरी की key और डिक्शनरी डॉट पॉप जो भी डिक्शनरी है ये, रिमेम्बर पॉप एक फंक्शन है, डायल एक स्टेटमेंट है, इसलिए डायल पहले आएगा, पॉप डॉट ऑपरेटर के बाद आएगा, ठीक है। तो ये आज तक के लिए, आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर डिटेक्शन ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम डिक्शनरी फिर हम कल आगे फॉलो अप करेंगे अभी नेचुरल क्लास में। आई थिंक आज के लिए काफ़ी हुआ, आज की क्लास अच्छी रही, डिक्शनरीज करने के हमने काफ़ी तरीके सीखे, और डिक्शनरी क्योंकि एक अच्छा टॉपिक है इसीलिए आज आप उसको जो है अपने डेस्कटॉप पे या अपने कंप्यूटर पे उसको पाइथन में ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर कंप्यूटर पे या पाइथन में वो नहीं है, डेस्कटॉप नहीं है, मोबाइल फ़ोन है, तो मोबाइल फ़ोन में भी आप पाइड्रॉइड करके जो एक एप्लीकेशन आती है उसको इंस्टॉल कर लीजिए एंड्रॉइड में, और वो उसमें वर्क करेगा।